आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं। मालेगांव शहर के नामपुर रोड स्थित पार्टी लॉन में ऑफिस के कमरे में अचानक एक तेंदुआ घुस गया। उसी समय एक छोटा बच्चा जिसका नाम मोहित है, वो अंदर मोबाइल फोन पर खेल रहा था, मगर बच्चे ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि दरवाजे से तेंदुआ अंदर आता है और सामने वाले कमरे की तरफ जाता है। गनीमत रही कि तेंदुए की नजर बच्चे पर नहीं पड़ी, मगर वही छोटे बच्चे मोहित ताहिरे ने तेंदुए को ऑफिस के कमरे में घुसते हुए देखा और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया और अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। घटना मालेगांव शहर के जाजूवाड़ी इलाके के साई सेलिब्रेशन लॉन में हुई है। इस दौरान तमाशबीनों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। तेंदुए को बचाने के लिए वन विभाग, पुलिस और अग्निशमन दल के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। वन विभाग ने नासिक से रेस्क्यू टीम बुलाई। टीम ने ब्लू पाइप के डॉट कर तेंदुए को और जैसे ही बेहोश किया, वन विभाग के अधिकारियों ने उस तेंदुए को कैद कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त ये तेंदुआ उस कमरे में घुसा, उस बच्चे पर इस तेंदुए की नजर नहीं पड़ी और बच्चे ने भी बड़े ही चालाकी के साथ बाहर निकला और दरवाजे को बंद किया। हाँ बेटा, तुझे नाव काय आहे, नेमकं काय प्रकार घडला, काय बघितलं? माझं नाव मोहित विजय आहे, मी ऑफिसात बसलेलो होतो, म्हणजे इथं असा दरवाजा आहे आणि त्यालाच खिटून एक कॉट आहे, त्याच्यावर मी बसलेलो होतो। बिबटे आला, सळंग गेला, मग मी पाहिलं जोरात जोरात त्याचा आवाज येत होता, मी पाहिलं, फोन घेतला आणि लगेच दरवाजा लावून पळून गेलो। तू लावला का दरवाजा? बरं, नंतर मग कोणाला कळवलं, काय झालं? नेमकं घरी गेलो, पप्पांनी मालकाला कळवलं आणि मग पप्पा इकडे आले, स्वेटर बांधले। तुला भीती नाही वाटली का ते सगळं करत असताना? एवढी नाही, थोडीशी। बरं बरं।